फालतू वाली बात कौन सी, बोले मंच से टिकट बट रही है। नेताओं में हो गई जमकर तूतूमे में, एक दूसरे पर लगाने लगे आरोप प्रत्यारोप। मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले का है। देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी और हाट पिपलिया विधानसभा से दावेदारी कर रहे विश्वजीत सिंह चौहान के बीच बहस हो गई। मामला क्या है अब आपको बताते हैं। देवास में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे, बैठक चल रही थी। इसी बीच विश्वजीत सिंह चौहान आ गए और पर्यवेक्षकों से मिलने की कोशिश करने लगे। शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और दोनों की बहस हो गई। बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इसके अलावा विश्वजीत सिंह चौहान को लेकर एक लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पद से हटाने का कहा गया है। लाखन सिंह जी यादव साहब हमारे बीच आए हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं। पांचों विधानसभा की बैठक यहाँ रखी गई है और कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद समन्वय समिति की बैठक, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे, बैठक होगी। अभी इसके बाद तय होगा कि पांचों विधानसभा में कब कब जा रहे हैं, इसके जाने के उपरांत फीडबैक लेंगे, किसको टिकट देना है, क्या करना है, करेंगे बात। हम कोई विरोध नहीं है, सबकी स्वतंत्रता, हमारे यहाँ विरोध वाली बात ही नहीं बची है। ग्रुप बाजी सब बीजेपी में भेज दी हमने, हमारे पास भी कोई ग्रुप बाजी नहीं है, सबको अधिकार रखने का। सर इस बार अगर टिकट में परिवर्तन नहीं हुआ, कमलनाथ जी ने कहा है स्थानीय एवं युवाओं को मौका देंगे। मैं स्थानीय उम्मीदवार के दम पर अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। मेरी दादी जनपद अध्यक्ष रही, मेरे पिताजी मध्य प्रदेश दूसर के अध्यक्ष रहे, कई सालों तक मेरे साथ जनपद के अध्यक्ष रहे, आज मेरे साथ यहाँ पर देवास जनपद के पूर्व अध्यक्ष हमारे चैन सिंह जी है, हमारे देवास के जनपद अध्यक्ष मुकेश पटेल जी हैं। इस तरह का खुला विरोध हो रहा है, हम संगठन के लोग हैं और पार्टी के भी लोग हैं।